चलिए स्टूडेंट्स, आज आपको जो मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ वो है राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशियंट हाइट। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब एक कैपिला मीन्स होता है, कैपिला एक ग्रीक वर्ड है और कैपिला मीन्स होता है हेयर, और हेयर लाइक अ फाइन ट्यूब, तो बाल की तरह पतली ट्यूब को ही कैपिलरी ट्यूब आप बोलते हो। और उस कैपिलरी ट्यूब को अगर आप यहां पे देखोगे कि मान लो एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर मैंने बना दिया है और इस कंटेनर में और 3/4 पोर्शन आप वाटर ले लो, और वाटर लेके जैसे ही कैपिलरी ट्यूब को इसमें इमर्ज करते हो, एक कैपिलरी ट्यूब है इसको जैसे हमने इमर्ज किया, तो आप ये देखते हो कि इसमें वाटर का लेवल जो है वो राइज कर जाता है। तो और आगे जो है ये वाटर के साथ एक कॉनकेव सरफेस भी बना देते हैं, ये कॉनकेव सरफेस भी बना दिया। तो मैं यहां पे आपको जो दिखाऊंगा, मैं जो करने जा रहा हूं आपके लिए, हाइट का फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं कि हाइट क्या होगी इस केस में जब आप लिक्विड लेते हो। तो देखिए, ये जो कॉनकेव सरफेस बना रहा है, इस कॉनकेव सरफेस पे हाइट जो इतनी लिफ्टअप की हुई है, इस पे मैं एक टेंजेंट डालता हूं। ये एंगल, ये टेंजेंट जो है, ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को बताता है। ड्रिंकिंग वाटर के केस में ये एक्यूट एंगल बनाता है, एचजी अगर आप इसी की जगह पे ले लोगे तो वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, और अगर आप प्योर वाटर ले लेते हो तो उस केस में ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मैं इस तीनों ही केस के बारे में मैं यहां पर कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा फॉर्मूला जो है वो आपको एक्सप्लेन करके सफिशियंट होगा, वही सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देगा। तो यहां पे जो टेंशन है, मान लो ये टेंशन है टी, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बना रहा है यहां पे लिक्विड के पे, जो कर्व सरफेस पे आपने टेंशन ड्रॉ किया है, और इस वॉल पे, इस ट्यूब के वॉल के साथ एंगल ये बना रहा है थीटा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो इस तरफ इसका कंपोनेंट जो होगा टी का वो होगा टी कॉस थीटा, जबकि इसके परपेंडिकुलरली इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा आपका टी साइन थीटा। ठीक है, अब सेम काम आप इधर भी कर सकते हो। यहां पे भी आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टी ले लिया, और आपने दिखा दिया कि ये जो एंगल बना रहे हैं यहां पे थीटा बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ टी कॉस थीटा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर जो एंगल बन रहा है यहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका टी साइन थीटा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको ये देखो आप कि जो वाटर का लेवल है वो इस ट्यूब में इस कंटेनर के वाटर लेवल से कितने हाइट पे है, तो ये एच हाइट पे है, ये एच हाइट से इसमें कंटेनर में वाटर का लेवल रेज कर गया है कैपिलरी ट्यूब में रिस्पेक्ट टू द कंटेनर जिसमें आपने कैपिलरी ट्यूब इमर्ज किया हुआ है। तो अब ये जो सरफेस है, ये जो आप देख रहे हो यहां पे, ये तो कंप्लीटली एक रेडियस की तरह होगा, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब है तो उसकी एक रेडियस होगी, कैपिलरी ट्यूब की कुछ तो रेडियस होगी, तो इसकी रेडियस को मैंने आर मान लिया। अब ये जो रेडियस है, ये देखो मैं एक सेपरेट डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ये अगर आप साइड से देख रहे हो तो इस तरह से दिख रहा है, लेकिन अगर आप मैं ऊपर से देखूं इस पोर्शन को तो आपको भी इस तरह का एक सर्कल पूरा दिखेगा जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, और इसी सर्कल पे आप देख सकते हो टी जो लग रहा है इस सर्कल के हर एक पोर्शन पे लग रहा है, टी कॉस थीटा जो लग रहा है वो इसी सर्कल के हर एक पोर्शन पे एक्ट कर रहा है ना, तो ये टी लग रहा है हर पॉइंट पे। तो कितने पॉइंट पे लग रहा है, आपको पता है कि ये सर्कल है और इसकी रेडियस आर है, तो इसके ऑब्वियस सी बात है कि 2πr पोर्शन पे लग रहा होगा ये, तो ये 2πr पोर्शन पे अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, सारा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो क्या लग रहा है, वो टी कॉस थीटा, ये लग रहा है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और यही दूसरा कंपोनेंट जो आप देख रहे हो यहां पे, दूसरा कंपोनेंट आपका टी साइन थीटा का है। तो टी साइन थीटा के बारे में मैं बताऊं कि यहां पर यह जो सर्कल है
दैट मीन्स ये जो पोर्शन है इसका अगर एक तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो टी साइन थीटा लग रहा है और दूसरी तरफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इस तरह से टी साइन थीटा जिधर भी लग रहा हो, टी साइन थीटा और टी साइन थीटा, ये हमेशा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो जो कैंसिल कर रहा है उस पोर्शन को तो मैं हटा देता हूं, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं हमें, तो ये मैंने हटा दिया। अब नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपका, 2 पाई आर टी कॉस थीटा। अब देखो इस कंटेनर में ये जो आपने ट्यूब लिया है, इस ट्यूब में जो कैपिलरी ट्यूब है इसकी मैं सेपरेट डायग्राम इसका बना रहा हूं यहां पे, जिस हाइट पे आपने लिया है उसको भी मैं दिखा रहा हूं। ये डायग्राम मैंने बना दिया, इसकी हाइट कितनी लिया आपने, एच हाइट ले ली। इसमें ऑब्वियस ही बात है, इसमें तो वाटर है कंप्लीटली, ये फिल्ड है वाटर से, तो वाटर है तो अगर मान लिया वाटर की डेंसिटी रो है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर रो है, तो इसकी कितने वॉल्यूम अब कितना मास होगा इस लिक्विड का यहाँ पे, और ये लिक्विड जो है इतनी हाइट पे उठा हुआ है तो नेचुरल सी बात है उसका वेट भी तो कुछ नीचे की तरफ लग रहा होगा, एमजी इसका वेट लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मैं इस वेट की बात कर लूं, तो वेट ऑफ वाटर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड क्या वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो देखिए वेट जो है W इक्वल टू mg और m मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी वाटर जो मैंने ली हुई है उसकी डेंसिटी है रो, इनटू जी ये जो वेट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। अब ये एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ये है जो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब जो इसमें आप देख सकते हो कि इक्विलिब्रियम के केस में, चूंकि वाटर जो है इस हाइट पे आने के बाद वो रेस्ट में आ गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के केस में ये दोनों ही वर्टिकली अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स, ये दोनों को ही आप इक्वल कर सकते हो। तो चलिए अब मैं दोनों को इक्वेट करता हूं और इक्वल करता हूं, तो देखते हैं। स्पीकर को मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ये आ रहा है आपका पाई आर स्क्वायर, एक इक्वेशन ये है आपका और दूसरा ये है, तो पाई आर स्क्वायर एच रो जी इज इक्वल टू 2 पाई आर टी कॉस थीटा, है ना। तो पाई पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो यहां से मुझे हाइट के लिए जो फॉर्मूला चाहिए वो मिल रहा है मुझे 2 टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, ये हाइट के लिए फॉर्मूला मिल गया हमें, ठीक है। अब इसमें जो कंडीशंस हैं वो मैं देखता हूं, कंडीशंस आपके सामने देख रहा हूं कंडीशंस, कि मान लो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री हो जाए तो ये क्या होगा, एच इक्वल टू 2 टी बाय आर रो जी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कॉस 0 डिग्री क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ठीक है, इसकी हाइट इतनी होगी, इसके फॉर्मूले में अगर आपको टेंशन दी हुई है, रेडियस दी हुई है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दी हुई है और एक्सेप्शन ड्यूटी ग्रेविटी आपको पता ही है, तो ये सब दी हुई है, तो इससे आप वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो आइए दिखाता हूं मैं आपको, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है आपके पास तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 इक्वल टू 0, ठीक है, 0। तो अब इस जगह पे हाइट के लिए जो फॉर्मूला आएगा आपके पास ये 0 आ जाएगा, है ना, कॉस 90 0, तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब थीटा के केस में जब एक्यूट एंगल होता है तो वाटर लिफ्ट अप करता है,
अदरवाइज अगर आप थीटा को आप ऑब्ट्यूज के केस में देखते हो 180 ले लो आप, तो कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 इक्वल टू माइनस वन है ना, तो कॉस 180 जो है ये माइनस वन होता है, तो माइनस वन होता है तो इस केस में हाइट जो आएगी आपकी वो निगेटिव आ जाएगी, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप देखो क्या क्या चीज आपके पास दी हुई है, तो मैं एक बार फिर से आपको ये फॉर्मूले को दिखा रहा हूं यहां पे। तो फॉर्मूले में आपके पास 2t cos थीटा बाय r रो g, डेंसिटी कांस्टेंट है, g जो आप लेते हो 9.8 अर्थ के सरफेस पे, ये सब उस लिक्विड के लिए कांस्टेंट है, तो दैट मींस h इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, r के, और h इनवर्सली प्रोपोर्शनल r को बोला जाता है जूरिंस लॉ, जूरिंस लॉ। तो इस तरह से ये एक तरह से ये फॉर्मूला जो है हाइट के लिए यहां से हम लोगों को मिल जाता है। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन में आपको मैं दे रहा हूं, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं अब जो टॉपिक मैंने कराया उससे रिलेटेड आपके पास दो क्वेश्चन हैं, राइज ऑफ हाइट इन द कैपिलरी ट्यूब। पहला क्वेश्चन जैसा आप देख सकते हो कि इफ द लिक्विड नाइदर राइजेस नॉर फॉल इन कैपिलरी ट्यूब, नहीं राइज कर रहा है नहीं नीचे जा रहा है नहीं फॉल हो रहा है, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट उसके बीच क्या हो सकती है। तो आपको मैंने अभी दिखाया था हाइट क्या हुआ था, जीरो हाइट, जीरो किस केस में हुआ था, मैंने फॉर्मूला लिखा था एच इक्वल टू, मैं यहां पर लिखता हूं फॉर्मूला एच इक्वल टू टू टी कॉस थीटा बाय आर रो जी, ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा था। इस फॉर्मूले से ही आपके दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कैसे, कि आपने क्या किया यहां पे कॉस 90 लगाया था, कॉस 90 लगाया तो क्या हुआ, हाइट जीरो, हाइट जीरो दैट मींस ना हाइट ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है ना, तो जब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है तो किस केस में होगा, 90 के केस में, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास देखिए, फॉर डिफरेंट कैपिलरीज ऑफ रेडियस आर द कंडीशन ऑफ द लिक्विड राइज अबव द लिक्विड सरफेस, क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि राइज करे उसके लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो अभी आपने देखा यहां पे इस फॉर्मूले को ही देखो फिर से, तो एच आर इक्वल टू रेस्ट पार्ट मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट है, क्योंकि ये सब पोर्शन क्या है इसके कांस्टेंट है, मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था आपके साथ। और जूरिंस लॉ भी इसी के बेसिस पे मैंने आपको उसका नाम भी बताया था, साइंटिस्ट का जो नाम दिया गया था जूरिंस लॉ। तो इस तरह से यहां पे आपका पहला ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके जो मैंने अभी टॉपिक बताया उससे बेसिस पे, उस बेसिस पे आपका बिल्कुल इजी वे में सॉल्व हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं और भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, आप चाहते हो कि उसको सारी चीजों को अच्छे से सॉल्व किया जाए और उसको अच्छे से डिस्कशन इसी वे में की जाए जिस तरह से मैं अभी कर रहा हूं आपको बता रहा हूं, तो आप एक बार हमारी टीम से जुड़े, हमारी टीम बीट द नीट, जो कि हमारा टारगेट ये है कि 2019 में सारे बच्चों को, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे उनको हम बिल्कुल परफेक्ट नीट क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। और पूरी हमारी डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है और सब सारे सपोर्ट्स हैं, जिससे कि मैं ये कह सकता हूं कि बिल्कुल आसानी से, जितना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बीट द नीट आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। चलिए आप विश यू गुड लक फॉर योर 2019 बीट द नीट, आप बहुत अच्छे से मेहनत करो और अच्छी तरह से इस चीज को क्लियर करो। थैंक यू।